छत पे खेती हैप्पी खेती। ये हम है, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। हाय ऑल, पार्ट वन का जो वीडियो था वो था डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेलिस, मतलब जो बेड़ा बना हुआ था पहले का उसको किस तरह से तोड़ के और किस तरह से हमने आगे का प्रोसीजर स्टार्ट किया उसके ऊपर था। आज जो है ये वीडियो पार्ट टू का है। बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है कि उनको फर्स्ट पार्ट बहुत पसंद आया, सेकेंड पार्ट का वो वेट कर रहे हैं कि कब सेकेंड पार्ट पब्लिश होगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया। ये वाला वीडियो आप लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लास्ट में आप देखिएगा ये जो बेड़ा बनकर तैयार होगा वो बहुत ही सुंदर बनेगा। हमने थोड़ा सा अलग थोड़ा चेंजेस किया है इस बार। जो बांस का जो बेड़ा होता है उसको बनवाने का सबसे एक अच्छी बात ये है कि हर बार आप उसको नए डिज़ाइन से बनवा सकते हो और ज़्यादा अपग्रेडेड वे में। हर बार आपको पता चलता है कि कहाँ पर और क्या चेंज आपको करवाना है जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा आपके लिए हो, कन्वीनियंट हो और उस पर अच्छी तरह से प्लांट्स और क्लाइम कर सके। सबसे पहले जो पार्ट आता है उस पर आता है चार पिलर चार कॉर्नर पे लगाना। आपने मेरे पहले वाला में भी देखा होगा कि बीच का जो बेड़ा था वो पूरा टूट के नीचे आ गया था, लेकिन जो पिलर्स थे चारों वो बहुत स्ट्रांग थे, अच्छे से टाइट थे, क्योंकि वो पूरा जो गोटा एक बांस होता है बिना कटा हुआ पूरा एक बांस का वो लोग पिलर लगाते हैं तो वो बहुत मजबूत होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो बांस का फ्रेम ही वो लोग बना रहे हैं। तो नाप के वो लोग चारों तरफ पहले पिलर का बांस लगाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मैंने एक बार सोचा था कि इसको शायद पेंट भी करवाते हैं, लेकिन फिर ये नेचुरल कलर जो है दिखने में बहुत अच्छा लगता है इसका, और पेंट कराने से 2-4-6 महीने और ज़्यादा शायद लास्टिंग करे, बट उससे नेचुरल लुक नहीं आएगा इसलिए हम लोग कलर भी नहीं करवाएंगे। ये जो बांस का नेचुरल लुक है आप पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत सुंदर ये बनेगा। ये जो लोग हैं ये लोग जो बांस का घर होता है जो बस्ती वगैरह में होता है वहाँ ये लोग इस तरह का काम करते हैं। इनकी शॉप जो है वो पूरी बैम्बू की शॉप है और वहीं पर ही ये लोग बैम्बू लगाने का घर बनाने का काम करते हैं। तो ये लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, बहुत एफिशिएंट है। तो आप देखिए किस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी इसको बनाने के टाइम पे, बट फिर भी इन्होंने किस तरह से कितने आराम से बहुत सुंदर बेड़ा इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ये जो तीन लोग आए हैं उनमें से जो एक थोड़ा सा एजेड है वो बना रहे हैं उधर पतली स्ट्रिप्स काट रहे हैं ऊपर का जो छप्पर होता है उसके लिए, और बाकी जो दो लोग हैं वो लोग पिलर का जो फ्रेम है पूरा उसको तैयार कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया बारिश का मौसम है इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इवनिंग से पहले ही ये काम जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि बारिश में तो टेरेस पे काम करना पॉसिबल नहीं है। आपको हल्के हल्के बादल ऑलरेडी दिखना स्टार्ट हो गए होंगे कि मौसम उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसीलिए ये लोग बहुत फटाफट काम कर रहे हैं। ये दिखने में लगता है कि थोड़ा ईजी है लेकिन इनको बहुत प्रॉब्लम आई थी स्पेशली पिलर लगाने के टाइम पर, क्योंकि पिलर का मजबूत होना ज़रूरी होता है। अगर पिलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और सपोर्टिव नहीं होगा तो फिर वो जो पूरा बेड़ा है वो भी शेकी रहेगा। और जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो इसी वाले पिलर में आई थी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं था और जहाँ ये कांटी ठोक रहे हैं वहाँ पर पिलर है, इसी वजह से वहाँ पर कांटी भी नहीं ठुक रही थी किसी तरह से भी। कोई भी इसमें अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था कि कैसे यहाँ पर पिलर लगे, और पहले वाली जो कांटी थी जो ऊपर आपको होल दिख रहा है वहाँ से भी वो कांटे निकल गई थी और उसमें भी किसी तरह भी कोई भी सपोर्ट नहीं लग रहा था। तो इसमें भी इनका बहुत टाइम किल हो गया और काफ़ी देर के बाद फाइनली एक कील थी जो आराम से उसमें लग गई, और नीचे से जो आप देख रहे हैं स्टैंड है लोहे का जिसमें ये प्लांट्स रखे हुए हैं, नीचे से इस पिलर को उसके साथ बांध के फाइनली इस पिलर को उन्होंने अच्छे से अटैच कर दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ इसको रिपेयर नहीं कराते हैं। एक बार बनाने के बाद कुछ सालों तक जब ये चलता है तो उसके बीच में कोई भी रिपेयरिंग इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए फाइनली जब एक बार ये बनता है उसी समय ये ध्यान रखें कि हर तरफ से ये प्रॉपर अच्छे से सपोर्टेड हो। अगर एक बार अच्छे से आपने बनवा लिया तो दोबारा इसकी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने ये मेक श्योर किया कि जब ये बना रहे थे तो मैं टेरेस में खड़ी रहूं, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से इंस्ट्रक्ट करके अपने हिसाब से बनवाऊं। साइड में चार पिलर चार कॉर्नर में लगाने के बाद अब ये ऊपर का जो पिलर है उसको लगाने का काम कर रहे हैं। पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो यही है कि इसका पूरा जो फ्रेम है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करके लगाना है। तो तीन घंटे अप्रॉक्स इनको इसी में लग गया बांस काटने में और अरेंजमेंट करने में,
ऊपर लाने में, तो ये काफ़ी लोग टायर्ड हो गए थे। तो ये बूढ़ी मासी है हमारी हाउस हेल्प, जो इनके लिए चाय लेके आई हैं। तो ये कुछ 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से ये काम स्टार्ट करेंगे। होपफुली इवनिंग को 4-5 बजे तक ये जो पूरा बेड़ा है ये बनकर तैयार हो जाएगा। उसी के बीच में इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको पूरा बजट भी बताऊंगी, क्या बजट इसका अप्रॉक्स हमको पड़ा है। 8 बांस का अप्रॉक्स कुछ रस्सियां और तार मिला के शायद 1600 की 1700 ऐसे करके कुछ बजट बैठा था, क्योंकि इस बार मैंने इंडिविजुअली इनको हाजरा हिसाब से नहीं रखा था, ठेका के हिसाब से ही इन्होंने प्राइसिंग की थी। बट मैं आपको अप्रॉक्स जो बांस का प्राइस है वो बता रही हूँ, 1600-1700 के बीच में कुछ इसके बांस का प्राइस पड़ा है। और ये जो बना रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले बोल दिया कि जो भी एक्स्ट्रा बांस बचेगा या टुकड़ा बचेगा उसके पतली पतली पट्टियाँ काट के मुझे दे दे, ताकि मैं बाद में इन फ्यूचर कभी कोई प्लांट को सपोर्ट देने के लिए और उसमें काम आ जाती है। और गोटा बांस अगर टुकड़ा रहता है तो घर पे उसको काट के यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, वो आराम से नहीं कटता है। बट ये एक्सपीरियंस लोग हैं तो बहुत फटाफट ये लोग उसको फाड़ के पट्टियाँ बना के दे देते हैं। तो वही मैंने इनसे कहा कि वेस्ट ना करें, कोई अगर बांस बचे तो वो रख दे अलग से। ये जो बना रहे हैं इनको भी मैंने बोला कि ये जो गैप्स है थोड़ा इस बार कम करें, और जो पट्टियाँ हैं उसको थोड़ा पतला रखें। पतला रख के अगर कम गैप रख के बनाते हैं तो वो बेड़ा देखने में बहुत सुंदर लगता है, और थोड़ा चौड़ा होता है तो देखने में उसकी ब्यूटी उतनी ज़्यादा नहीं आती। आप देखिए, ये कोई भी कील का यूज़ इसमें नहीं कर रहे हैं, पूरा जो है ये आपस में इंटरलॉक करके ही ये इस बेड़ा को बना रहे हैं। कितने सुंदर से काम हो रहा है, एक सिंगल कांटी भी इन्होंने इस पर नहीं लगाई है। पूरा एक ही जन ने ऐसा दो बेड़ा बनाया, क्योंकि मेरा टेरेस पे ऐसे ओपन स्पेस कम है, क्योंकि पूरे छत पे ही प्लांट्स रखे हैं। तो एक कॉर्नर में जहाँ थोड़ी जगह थी उसी हिसाब से इन्होंने बेड़ा का मेजरमेंट लिया, और ऊपर में इन्होंने दो बेड़ा के हिसाब से मेजरमेंट लिया है। तो जो फ्रेम अभी आपने देखा है जाली वाला, वैसा इनका अंदाज़ है कि दो बनाएंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये कवर हो जाएगा। तो इसीलिए एक जन है वहाँ पर वो बेड़ा का वो बना रहा है पूरा जो मैश है उसको, और यहाँ पर ये ऊपर को सपोर्ट दे रहे हैं। चारों पिलर लगाने के बाद, फिर ऊपर चार कॉर्नर में लगाने के बाद सेंटर में भी बांस का सपोर्ट देना है, अदरवाइज़ जब फ्रूट्स उसमें लटकेंगे तो फिर वो बेड़ा जो है वो नीचे की तरफ लटकेगा, झूलेगा। तो इसी वजह से ये सेंटर में भी बांस का इस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि ये काफ़ी दिन लास्टिंग करे और जल्दी से वो जो पूरा जो फ्रेम है वो नीचे ना आए। अभी ये देखिए फ्रेम बनके तैयार हो गया है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है ये, लगने के बाद ये और ज़्यादा सुंदर दिखेगा। फाइनली दोनों बेड़ा जो है वो बनके तैयार हो गया है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ये इंस्टॉलेशन वाला काम जो है वो कर रहे हैं, अभी भी ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा, अभी कुछ डिज़ाइनिंग भी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा सा अलग इस बार हमने किया है। बट उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बेड़ा के बारे में ही बात करती हूँ। अगर आप छोटे लेवल पे गार्डनिंग करते हैं, बहुत कम सब्जियाँ उगाते हैं, एक दो पॉट में शौक से बेले लगाते हैं, तो आप इंडिविजुअल पॉट जो होता है 15-16 इंच का, उसके लिए सिंगल सिंगल बेड़ा आप घर पे बना के लगाएं, देखने में बहुत सुंदर लगता है। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से वो उस तरह का बेड़ा आप खुद बना सकते हैं देख के। लेकिन अगर आप ज़्यादा गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो इस तरह का एक बड़ा ट्रेलिस आप ज़रूर लगाइए अपने छत पे। इसका फ़ायदा ये होता है कि छत पे जो है मूविंग स्पेस ज़्यादा मिलती है, कंजस्टेड नहीं होता, और ये एक्स्ट्रा स्पेस आपके छत की बिल्कुल नहीं लेता, ये ऊपर की तरफ रहता है। और जब इसके ऊपर बेले चढ़ जाती हैं तो ये ग्रीन नेट के जैसा भी मेरे तो बहुत काम करता है, क्योंकि मैं इसके नीचे काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं छोटे वाले वो रख देती हूँ, तो वो शेड का भी एक काम करता है। तो इस तरह का बड़ा बेड़ा अगर आपके छत में पॉसिबल है तो आप ज़रूर से बनवाइए, देखने में भी सुंदर लगता है और बहुत ही ज़्यादा ये सपोर्टिव होता है। और छोटा तो आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है छोटा, तो अलग अलग डिज़ाइन में आप आराम से बना सकते हैं। ये जो बना रहे हैं इन्होंने मुझे अप्रॉक्स जो बजट दिया था, पूरा इनका लेबर चार्ज वगैरह लेके 3000 का दिया था। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराना वाला बेड़ा भी इन्होंने खोला था, उसमें भी कुछ टाइम किल हुआ था, तो उसके लिए मैंने इनको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया था। तो अप्रॉक्स 3200 रुपये इस पूरा जो बेड़ा का है वो लगा है। बेड़ा लगने के बाद अब फाइनली थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वाला काम चल रहा है। इनको मैंने चार इस तरह की छोटी छोटी सीढ़ियों जैसा ट्रेलिस बनाने के लिए बोला है। कच्चे बांस का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो फोल्ड हो जाता है इजीली, और जो सूखा बांस है वो टूट जाता है तो उससे नहीं बनता। और ये जो बना रहे हैं ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ, ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए है। बेड़ा जो हमने लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन जब प्लांट लगाते हैं और जब
ट्रेलिस और प्लांट का जो बीच का जो डिफरेंस होता है 6-7 फीट का, उसमें फिर नारियल की रस्सी से सपोर्ट करके प्लांट को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तो हवा वगैरह आने से वो भी एक इश्यू रहता है। तो मैंने सोचा इस बार कि मैं चारों तरफ 4 कॉर्नर पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाकर लगाऊंगी, ताकि जब प्लांट क्लाइंब करेगा तो उसको ईजिली सपोर्ट मिलेगा ऊपर ट्रेलिस तक पहुँचने के लिए। इस बड़े ट्रेलिस में आप आराम से 5-6 तरह के क्लाइंबर्स चढ़ा सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के। जिसका डर था वही हो गया। बेड़ा जैसे ही बन के कम्प्लीट हुआ तो बहुत तेज़ बारिश आ गई, बट थैंकफुली हमारा काम कम्प्लीट हो गया था। फिर वो लोग फटाफट चले गए, इसलिए मैं एंडिंग वाला पार्ट जो है वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। ये बेड़ा अब बन के तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है आप खुद देखें। और होपफुली जो 4 कॉर्नर पे इस बार मैंने थोड़ा सा एक लैडर यानी सीढ़ियों जैसा एक बनवाया है सपोर्ट, शायद ये अच्छा रहे। पिछली बार आपको मेरे वीडियो में ध्यान होगा कि ये पूरा जो सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन में एक कंप्लीट सपोर्ट था वॉल के जैसे, बिल्कुल एकदम नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक लगा हुआ था। बट जो नीचे तक एकदम बेड़ा लगा था उसकी वजह से झाड़ू देना और क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसीलिए मैंने अब की बार ये सिर्फ बाउंड्री वॉल से स्टार्ट करके ऊपर तक करवाया है, ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो एकदम क्लियर रहे और ये कहीं भी एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। तो इसी वजह से इस बार का इंटेंशन था कि जो प्लांट है वो अच्छे से क्लाइंब हो जाए और अलग से रस्सियों का सपोर्ट ना देना पड़े। ये वाला जो क्रोटोन का प्लांट आप देख रहे हैं, इसके बगल में जो ये लैडर लगा है, जो सपोर्ट लगा है, इस पर मेरा मन था कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाने का, क्योंकि छत पे जब एंटर करते हैं तो राइट साइड में फर्स्ट में यही पोर्शन दिखाई देता है। तो मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि यहाँ पर कोई फ्लावरिंग वाइन लगाते हैं, बट ऐसे कोई लकड़ी वगैरह से सपोर्ट दो तो उतने अच्छे से प्लांट नहीं चढ़ता है। तो ये इंटेंशन था मेरा कि इसके ऊपर पूरा जो है कोई फ्लावरिंग वाइन लगाएंगे, ताकि जब छत पे चढ़ो तो आते ही फर्स्ट में एक सुंदर सा विजन मिले, बहुत सुंदर सा एक व्यू आए, अच्छा फ्लावरिंग प्लांट लगाऊं। और इस साइड में तो आपने पहले भी देखा था, इस पॉट में पम्पकिन का प्लांट था, तो अब होपफुली बहुत ईजी रहेगा पूरे प्लांट को लगा के क्लाइंब करवाना। तो मेजर जो एक काम था हमारा ट्रेलिस मेकिंग का वो कम्प्लीट हो गया, अब सिर्फ सीडलिंग्स तैयार करके प्लांट्स को लगाना है, उसके बाद सब कुछ इजीली अपने आप हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रेलिस मेकिंग का वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रेलिस का व्यू कैसा आ रहा है, और किस तरह से कुछ चेंजेस करके मैं इसको और बेटर कर सकती हूँ, या ये जो बना है यही आपको बहुत पसंद आया है। और इस तरह के वीडियोज़ अगर आपको आगे भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो व्यू है, अपना जो राय है, वो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी खेती, बाय।